तो आज मैं आप लोगों को एलियन के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं, हम भी तो चंद्रमा और मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। अब किसी न किसी दिन मानव भी उस यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में धरती जैसे लाखों ग्रह होते हैं तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है दूसरे ग्रह का निवासी। वैज्ञानिक शोध से पता चला कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे। पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया, जिसके बाद राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। एलियन के संदेश वाहकों में इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में योगदान रहा। एलियन ने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और एशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए हैं जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के अनुसार प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिन वोन, जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया है, कहते हैं कि प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक नहीं थी, इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। साल 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थल पर कई बार देखे गए हैं। नासा के एक वैज्ञानिक का पुख्ता अनुमान है कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हों लेकिन हमें पता नहीं चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित ना हो, इसलिए हमें इनका पता न चल पाया हो। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। शैल चित्र में स्पष्ट रूप से ये उड़न तस्तरी बनी हुई है। इतना ही नहीं, तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं में देखने को मिलता है कि जल्दी ही लौट आएंगे आकाश देव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर एलियंस छुपकर रहते हैं। ऐसे स्थानों में हिमालय है और दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं और तीसरी जगह हो सकती है वे जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाता। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के शोध में निष्कर्ष निकला है कि पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के एलियंस का अस्तित्व है। यह तकनीकी विकास में मनुष्यों से कहीं आगे है। अमेरिका में कुछ महिलाओं ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस के साथ संबंध बनाए हैं। तो मैंने आपको एलियंस से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां दी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।